हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में फिर से हम बात करने वाले एक बहुत ही चर्चित मुद्दा रिसेंट में जो हुआ है, इसी नाम से एक मूवी आई है और बहुत जगह पे तोड़फोड़ इस चीज को लेके, इसके विवाद को लेकर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 की। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे रिव्यू के बाद इस सारे मूवी के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 15, ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे इंडियन पॉलिटी में भाग 3 मूल अधिकार में हमारा जो अनुच्छेद 15 है उसको डिफाइन करता है ये, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम से बहुत ही रिलेवेंट होगा क्योंकि पूरा मूल अधिकारी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। फ्रेंड, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल 15 की, तो इसमें हम देखेंगे कि मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसमें बात करेंगे, तीन चार खंड दे रखे हैं, उस पूरे खंड को जाना आपको बहुत बेहद जरूरी है। तो स्लाइड पे आप बारी बारी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें पहला है किसी नागरिक के विरुद्ध, क्योंकि जो भी क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है, तो किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा। पॉइंट नंबर टू है कोई नागरिक फ्रेंड्स जो इंडिया का नागरिक है, सिटीजनशिप, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो व्यक्ति होता है वो विदेशी भी हो सकता है जिसको इंडियन सिटीजन इंडिया की नागरिकता नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो दूसरा है पॉइंट इसमें, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, चाहे वो दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या ख है इसमें पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं। कई बार आप देखते होंगे कि जो निचले कास्ट के रहते हैं उसे एक कुएं से पानी नहीं भरा दिया जाता, अगर उच्च वर्ग के लोग वहां पे पानी भरते हैं, ठीक है। तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। पॉइंट नंबर थ्री इसमें देख लेते हैं, इस उपबंध को कोई राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारी वैकेंसी में रिजर्वेशन का रूल होता है, महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है या बच्चों के लिए कुछ स्पेशलाइज किया जाता है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है आपके निःशुल्क शिक्षा, तो इन सब चीजों को वंचित नहीं किया जाएगा, ये स्पेशल कैटेगरी है। पॉइंट नंबर फोर जो इसमें दे रखा है इसको इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित, इस यहाँ पे ध्यान देना है किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, जैसे कि अभी हाल ही में आपको 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को दिया गया, तो ये संविधान में संशोधन करके दिया गया, या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट चेक कॉलम आता है फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से विभिन्न भिन्न नागरिकों के आर्थिक दुर्बल से किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस भाग से रिलेटेड। और ये जो पूरी मूवी बनी है आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना के, इसमें रोल करते हैं एक पुलिस ऑफिसर की, ये सत्य घटना बेस्ड ऑन है आपके बदायूं कांड के ऊपर, जिसमें जो मेन मुद्दा होता है इसी के आधार पे उन दोनों बच्चियों को फांसी दी, मतलब वो फांसी पे चढ़ जाती हैं, थोड़ा सा कम रेंट की वजह से। आप पूरी मूवी देखो, देखो सारी चीज इसमें पता चलेगी, ठीक है। तो इसमें मेन मुद्दा आर्टिकल 15 को बनाया गया है, ये मेन हेडलाइन जाने क्योंकि आपके आर्टिकल्स में आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इसको जो आपके भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इसको आप जरूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे इस चैनल पर, UP SSC का क्रैश लोअर का क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, मटेरियल्स भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, चैनल पे विजिट कर रहे हैं एक बार। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।